Hello students, let's see this question. Here we have, if man receives 1,080 as dividend from 9% 20 rupees share, find the number of shares purchased by him. 1,080 rupees dividend, yeah? 20 rupees share, हमें बताना है कि उसने कितने शेयर परचेज. सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम ऑन वन शेयर कितना हो जाएगा. कम ऑन वन शेयर कितना होगा, 9% है तो 9 अपॉन 8 डिवाइड बाय 20, 5 से 10, 9 बाय 5 रुपीज का हो गया. ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं. नंबर ऑफ शेयर्स कितना डिविडेंड था उसको हम डिवाइड कर देंगे इनकम ऑन वन शेयर से. डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके बेटा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5.5, क्या मिल जाएगा 9 9 9 120 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 600 शेयर. और ऑफ शेयर्स कितना 600, यही हम फाइंड करना. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.